कैसे काली हूँ गाइस, मैं काली हूँ कि कितनी गोरी हूँ, मेरे पापा कितने गोरे हैं सोचो। मेरे घर में कोई, मेरे खानदान में कोई काला नहीं है। मैं किस एंगल से काली बताओ? काली तुम ही होंगी काली। हाँ नहीं तो कौन सी सब्जी बना रहे हो? भिंडी की दाल बना रहे हैं। भिंडी की दाल? ये कौन सी सब्जी होती है? मैंने तो पैनकेक बनाया है। ओ आपने पैनकेक बनाया है, और आपने क्या बनाया है? वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबके घरों में अब तो त्योहारों की तैयारी चल रही होंगी, शॉपिंग सफाइयाँ ये वो सब कुछ चल रहा होगा। और मेरी मॉर्निंग आज थोड़ी सी लेट हुई है, और सुबह का मेरा वर्कआउट भी छूट गया। और क्योंकि यार मेरे साथ क्या होता है कि मैं दूसरे वाले रूम में सोती हूँ, तो पापा ना वहाँ पे खटर पटक करते रहते हैं, तो मैं उठ जाती हूँ। और जब मम्मी के साथ मैं सोती हूँ तो मम्मी ना क्या करेंगी, उठ जाएंगी शांति से, लाइट बंद कर देंगी उठने के बाद भी, और दरवाज़ा भी बंद कर देंगी, तो मुझे ज़रा भी आवाज़ नहीं आती है। तो मैं सोती रहती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई। तो मेरे ना इसलिए आज मेरी मॉर्निंग हुई है, मतलब मेरे साथ जब से मैं आई ना तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, एक दिन 8:30 बजे उठ रही हूँ, और एक दिन 11:30 बजे ऐसे उठ रही हूँ। तो मेरे साथ ना पता नहीं क्या चल रहा है ये। सो बस अभी चलो देखती हूँ मम्मी की, वैसी कंडीशन तो लग नहीं रही है मुझे वीडियो शूट करने की, हालत है नहीं, वहाँ कर रही है तब से सुबह से, जब से मैं देख रही हूँ उनको। सो देखती हूँ, अगर नाश्ता करने के बाद थोड़ी हिम्मत आती है उनमें तो दो ही वीडियो बनवा देंगी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मेरे पास वीडियोस नहीं है गाइस, ठीक है। और बस अभी यहाँ पे मैं बना, मतलब पोहा बन चुका है, चाय भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, काफ़ी पक चुकी है अब चाय, और हमारा पोहा भी रेडी है। ये देखो क्या हुआ, पता नहीं क्या देखते रहते हैं। चलो पोहा बन गया, उठो और तुम भी उठो। ये देखो गाइस अभी ये सुनेंगे, ठीक है भैया मेरे पे कॉपीराइट ना आ जाए। हाँ हाँ मैं दी गाइस, मेरी मम्मी ने भारती का ब्लॉग देख रही है यहाँ पे। हे मुझे पसंद है भारती का ब्लॉग, ठीक है आओ जल्दी, लेट हो रहा है। और वीडियो बनाने की हालत है या नहीं है ये बताओ? बिल्कुल नहीं है, दो भी नहीं बना सकती। अरे यार गाइस नहीं बन रही मेरी वीडियो, मैं क्या करूं। मैं आपको अपने पापा को दिखाती हूँ, ठीक है। पता नहीं इनको क्या हो गया है, इतना इनको किचन में काम करने में मज़ा आने लग गया है ना। अभी नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है, और फ्री होते ही ना बालकनी में आके बैठ गए, कल भी पूरा दिन यहीं बैठे रहे, और अभी वापस से मैं दिखा रही हूँ आपको कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो हो गया काम चालू, मूवी बिजी हो गया या वो भी खाली है? वो भी बिजी हो गया तो अब तुम बोल नहीं सकते। मतलब ये ऐसा क्या है आपका कि आप खाना खाते हैं तो आप तंबाकू डाल लेते हो मुंह में, आप दूध पीते हैं तो तंबाकू डाल लेते हो मुंह में, कुछ और करते हो तो मुंह में तंबाकू डाल लेते हो, हैं? क्या मिलता है बताओ इससे, हैं? अभी कुछ नहीं बोल सकते। और ये कल से क्या तुमने ये काम ले रखा है? अगर तुम नहीं करोगे तो होगा नहीं क्या ये काम? नहीं होगा गाइस, अभी वो मजबूर है, अभी वो बोल नहीं सकते। भाई बड़े परेशान है अभी। दाल ये वाली साफ हुई है? साफ कौन सी वाली दाल है? ये वाली, अभी ये इतनी बाकी है, मतलब अभी कितने बजे तक? 4 बजे तक 5 बजे तक 5 बजेंगे, कल भी तो 5 है। हाँ कल भी 5 बजे थे आपने यहाँ पे भैया, पिछले जन्म पक्का तुम औरत रहे होंगे। पिछले जन्म में पक्का तुम औरत रहे होंगे,
तभी तुमको इतना मजा आता है ना। आपको पता है गाइस, ये फोन में एक होता है ना कि हाँ भाई अपना कुछ और देखें, कुछ मतलब कुछ भी अलग देखें, नहीं वो क्या देखेंगे, मिठाई कैसे बनती है, दही भल्ला कैसे बनते हैं, आइसक्रीम कैसे बनती है, और कुछ भी नई नई रेसिपी वो कैसे बनता है, फिर मम्मी को जैसे हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है तो कुछ भी, घुटने का दर्द कैसे जाता है, सर का दर्द कैसे जाता है, इन सब की वीडियोस देखते रहते हैं। तो बस चलो, और अभी थोड़ा मम्मी को सेवा पानी कर लेते, थोड़ी सी थोड़ी सी कर देते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे। इससे टॉवल से क्या हो जाएगा? टॉवल से नहीं कर रही। अच्छा ओके, इसी सिकाई कर रही हो, लाओ मैं करती हूँ। चलो गाइस, थोड़ा सा कर लेते हैं और उसके बाद फिर लगूंगी। ये अलमारी समेटनी है, मेरा सामान देखो, मेरी मम्मी ने मेरा सामान तक नहीं रखा अभी तक। सही कहते हैं मेहमान मेहमान ही होते हैं। मेहमान लाइट का यार, लाइट मंगवाओ यार, लाइट गुस्सा आता है मेरे को, अंधेरा दिखता है, मैं फिर काली दिखती हूँ। मैं कहाँ से काली हूँ गाइस, मैं काली हूँ कि कितनी गोरी हूँ, मेरे पापा कितने गोरे हैं सोचो। मेरे घर में कोई, मेरे खानदान में कोई काला नहीं है। मैं किस एंगल से काली बताओ? काली तुम ही होंगी काली। हाँ नहीं तो मेरे पापा देखो बुढ़ापे में भी क्या। आ जाओ चलो पास में आओ जरा। हाँ पास में आओ, पापा के पास। हाथ में हाथ मिलाते हैं। हाथ नहीं, पहले फेस से फेस मिलाओ। अरे सामने जाओ, अरे फेस तो दिखाओ। हाँ चलो गाइस ये, अरे पापा रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ ये देखो हाथ मिला लो। अब जाओ पहले फेस मिलाओ ना, सेम ही लग रहा है। जाओ फेस मिलाओ। बेईमानी करनी नहीं है। मैं क्यों बेईमानी करूंगी, पोज देने को नहीं बोला है। पापा दाल बंद करो। हाँ गाइस देखो दोनों सेम लग रहे हो अब, या तो मेरे कैमरे का कमाल है या भगवान जाने। सो गाइस अलमारी सेट हो गई है पूरी, बहुत ये देखो इतने सारे कपड़े निकाले हैं फेंकने के लिए, और देखो हमारे पापा श्री अभी भी दाल ही साफ कर रहे हैं। हाँ क्या बोल रही हो तुम? हाँ अभी दो दिन पहले तो तुम्हें शॉपिंग कराई है। हल्की सी थी। अच्छा हल्की सी थी। हाँ अब ये पूरा खाना, अब ये तुम्हारे कपड़े हैं, ये हाँ बस थोड़े से। हाँ तो डेली वेयर में और क्या चाहिए भाई तुमको? और चाहिए ना भाई। वाह वो इतने सूट निकल गए। हाँ तो वही ना, अब ये निकाल तो आज निकाले हैं ना, पहले से क्यों नहीं निकाला? चलो चुप करो, दीपावली मेरी हालत देखो, मैं थक गया और मेरा वर्कआउट का टाइम हो गया। 5 बज गए, 5 बज गए गाइस। बस मैं भी 5-7 मिनट में ये पूरा समेट दू। नहीं नहीं मैं कर रही हूँ, 5-7 मिनट में पूरा समेट दू, झाड़ू लगा दू वापस से, और फिर वही चेंज वेंज करके फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि आज ना बहुत सारे, पहले तो ये हटा दूँ, ये बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को। हाँ बाप रे, मैंने कंघी भी नहीं की है पता है नहाने के बाद, मतलब हेयर वॉश किया था, कंघी भी नहीं की मैंने, ऐसे जूड़ा बना लिया था गीले वालों में। सो आज बहुत सारे काम है, क्योंकि आज हमारे घर के पास में सब्जी मंडी लगेगी, मतलब सब्जी मार्केट है लेकिन वो होता ना मंडी, जो प्रॉपर मंडी होती है, अब सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं, तो वहीं पर मैं जाऊँगी, वहाँ से सब्जियाँ लेके आनी है, और उससे पहले वर्कआउट करना है, फिर घर पे आके खाऊंगी पहले, फिर सब्जी लेने जाऊंगी, फिर घर पे आके इन लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, और फिर वही अपने सारे जो डेली का काम होते हैं, तो बहुत काम है। और मेरे पास सिर्फ कितना 40 मिनट मुझे पूरा ही समेट के तैयार होके और वापस नीचे जाना है मुझे, मतलब रनिंग के लिए। तो गाइस मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग आ गई हूँ, आज तो उजाला है, नहीं तो और दिन पूरा अंधेरा हो जाता था, तब मैं आती थी, पर
आज पूरा दिन निकला हुआ अभी तक 6 बजे पूरा दिन मुक जाता, पूरा अंधेरा हो जाता 6 बजे तक। बताया था आज जल्दी सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइम को बहुत टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। क्या बना रहे हो खाने में? कौन सी सब्जी बना रहे हो? भिंडी की दाल बना रहे हैं। भिंडी की दाल? ये कौन सी सब्जी होती है? मैंने तो पैनकेक बनाया है। ओ, आपने पैनकेक बनाया है? और आपने क्या बनाया है? अच्छा अच्छा असली है नकली है? ओके उनका असली है। ओके इनका पता नहीं, भिंडी की दाल है तो भगवान जाने तो क्या है? अच्छा भिंडी का चिकन है। अच्छा भिंडी के साथ चिकन बनाया है। OMG बाबू, ऊपर ना स्लीपर नहीं पहनते हैं। क्या नाम है आपका? सौर्या। ऊपर ना स्लीपर नहीं पहनते बिकॉज भगवान जी ना वो, इसलिए ठीक है। ओ भाई मेरी हालत देखो गाइस, मेरी क्या हालत हो गई है। रेड मजा आ गया, बस थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा ठीक है। बस 10 मिनट और वर्कआउट कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए तो मेरी हालत, हमारी हालत हो गई है खराब। मेरी हालत तो ऐसी चुपचाप से सो जाऊँ ठीक है, बट सब्जी लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीक में ना सिर्फ 2 ही दिन बाजार लगता है। मतलब मंडी तो है ही है, लेकिन मंडी मतलब मार्केट है सब्जी का, लेकिन मंडी होती है सो इसीलिए बस अभी लास्ट लगा था करवा चौथ के दिन, तो उस दिन हम नहीं आ पाए थे और फिर आज आए हैं। सोचो यहाँ पे ना अच्छा अच्छा सब खाने के लिए, मोमोज, जूस तो कर पी सकती हूँ, और इधर सब खाने के काउंटर, लेकिन तो जो घर के पास में सब कुछ होते हुए हम कुछ नहीं खा पा रहे हैं। वो रहा मार्केट, मोमोज के तो भाई साहब ऐसे हैं पता नहीं क्या फ्री में मोमोज दे रहे हो ये लोग। ये देखो अब तो और भी, ये भी न्यू कोई काउंटर है, किसका है? पियोगे लस्सी जियोगे 80। वाह, पेटीएम करो और ये रही सब्जी मार्केट। आई हम इधर देख के, ये देख के क्या ये इन्होंने पैक करना चाहिए, ऐसे खोला हुआ क्यों है? कोई गिर सकता है फालतू में। चलो सो गाइस, पूरा डेकोरेशन का सामान, वाह रंगोली। इधर सब्जी तो उस साइड रहेगी ना, या इस साइड है सब्जी? किधर है? उधर। हाँ तो उधर चलो, हाय रब्बा। मच्छर, बाप रे। गुड़िया के बाल। ना ना पता था अच्छा लग रहा है। अभी तो दिवाली से पहले लगेगा ना बाजार। यार लेकिन बहुत कीड़े हैं, देखो कीड़े। हर माल बीस रुपए। भाई बहुत सच में कीड़े हैं, बहुत ही ज्यादा। यहाँ है सब्जी मंडी, वो पूरी कपड़े की मतलब शॉप है, और इधर है ये सब्जी। अमरूद, मम्मी अमरूद लेंगे। ये गाइस देखो, ये वाला ट्रिक अपनाना पड़ा है मुझे क्योंकि
बहुत 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 वजन है, और अभी आधा सामान तो मम्मी के पास है और घूमने का तो मौका ही नहीं है क्योंकि नहीं घूम पाएंगे मार्केट। सो सच में यार, मतलब कुछ भी लेने आ जाओ, अभी मेरा शोल्डर फिर जा रहा है। चलो यार घर जाके मिलते हैं, बहुत ही वजन हो गया है, अजीब भी लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, हाथ बहुत दुख रहा है मेरा, बहुत ऐसे नहीं पकड़ सकती, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और ऊपर से बैग भी लाना भूल गई ताकि मैं फ़ोन रख सकूँ। तो देखो हमारे पहलवान के पास भी सामान है, ये देखो, और अभी तो आधी सब्जी आई नहीं है क्योंकि जगह नहीं थी इसीलिए। तो चलो पहुँचते घर फटाफट। तो मेरा डिनर रेडी हो गया, जो कि सैलेड और ये थोड़ा सा वेजिटेबल्स दलिया। चलो हम तो खा लेते हैं। ये देखो यहाँ पे अभी तो हाथ बनवा रही थी तो मैं बना रही थी ना, क्या क्या हाँ, तो वही सोच के लेके आई हूँ। तो भाई हाँ, उस बंदे ने पता है पूरा नींबू बीच में से कट कर दिया था, सिर्फ इसी वजह से कि बहुत रस वाला है। सो गाइस देखो, मेरी मम्मी को शर्म नहीं आती है और यहाँ पे बने हैं आलू मटर या सिर्फ आलू टमाटर है, आलू टमाटर, और ये बन रहे हैं इधर पराठे, ठीक है, और हमने खाया दलिया अरे यार तुम्हारी जबान इतनी वो, कहीं ना कहीं तुम्हारी ही जबान के मेरे अंदर गया है। एक चीज़ और दिखाती हूँ, आलू टमाटर बनाने के लिए ठीक है समझ में आता है, लेकिन ये क्यों है ये बताओ पहले, ये क्यों बनाऊंगी ना मैं। हाँ ये जो तीखी जबान है ना तुम्हारी, इसी की वजह से होता है ये सब, ठीक है। दर्द नहीं, ये जो है ना ये हाँ थायराइड की वजह से, मैं मेरी बात कर रही हूँ जो मेरे अंदर गए हैं ना तीखा तीखा। देखो क्या पत नज़र लग गई, मेरी नज़र लग गई, पराठा फूल रहा था अधूरे में रह गया। सो गाइस ना भाई ना, मेरा पेट भर गया, हो गया टाइम से। फर्स्ट क्लास बनाया था लड़की, हाँ हाँ सच बता, टेस्टी था या नहीं था? टेस्टी नहीं भी होगा तो भी उसी से काम चलाना पड़ेगा। ये नहीं, एक क्या चीज था या नहीं था? नहीं टेस्टी तो था, एक तो होता है, हाँ एक तो होता है के, हाँ टेस्टी तो हाँ। समझ में आया, जब मैं पूछती हूँ तब यही रिप्लाई आता है, और एक होता है, हाँ तो पता चला, एक होता है कि हाँ मम्मी तुमने दलिया अच्छा बनाया, हाँ मम्मी तुमने दलिया अच्छा बनाया था, तो तुम एंजॉय करो आलू के पराठे पापा को खिलाए जा रहे खाली पराठे, खुद खाएंगे आलू के पराठे। अरे हाँ कल तो तुम्हारा व्रत है, खाओ खाओ कोई बात नहीं। और कोई सेवा पानी और कुछ खाने का मन है? टाइम देख लो, अच्छा अभी तो बहुत टाइम है, तुम्हारे पास 10 बज रहा है। गाइस देख रहे हो, मैं अभी 10:05 और मैंने खाना खा भी लिया, बहुत देर हो गई। आय है चलो बना लो खाओ इंजॉय करो। तो चलो गाइस मैं बस अब इस ब्लॉग को एंड करूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ आज सच में, और आज पता नहीं कुछ ज़्यादा बॉडी दर्द कर रही है मेरी, क्योंकि अभी कल भी जंपिंग किया था, कल 500 के आसपास किया था और आज 300 ही किया, ज़्यादा नहीं किया। तो हालांकि लोग आगे बढ़ते हैं बट मैं थोड़ा पीछे, बिकॉज मुझे जल्दी आना था घर पे, इसीलिए कल तो मुझे टाइमिंग का समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं किस टाइम पे अपना देखना पड़ेगा क्योंकि खाना पीना बनाना पड़ेगा कल टाइम से, कल है वो एसटीवी। सो गाइज आप सबको, जितनी भी हमारी माताएँ हैं जो भी अपने बच्चों के लिए फास्ट रखती हैं, उन सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी अहोई अष्टमी। सो बस यही है और क्या ही बोल सकती हूँ। सो चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।